और इस वक्त की खबर चित्रकूट से है, जहां रामनगर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बांधी के मजरा नटन का पुरवा में ननकू के घर से नहर तक बन रही इंटरलॉकिंग में जमकर हो रही धांधली। इस इंटरलॉकिंग में ग्राम प्रधान प्रमोद उर्फ पप्पू के द्वारा जमकर की जा रही है धांधली। इसमें ना तो गिट्टी और मसाला डलवाया गया है और ईंट भी घटिया क्वालिटी का लगवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कथित तौर से बताया है कि प्रधान प्रमोद उर्फ पप्पू ने खुद कारीगरों को बोला है कि गिट्टी और बालू ज़्यादा न डालो और लोकसभा का चुनाव है तो कोई अधिकारी कुछ नहीं बोलेगा। ग्रामीणों ने कथित तौर से बताया है कि हमें प्रधान ने कहा है कि बनवाना है तो सही ढंग से बनवाओ, नहीं तो मत बनवाओ। प्रधान ने कहा है कि 11% बीडीओ और 10% प्रधान ने कहा है कि 11% बीडीओ और 10% सचिव को कमीशन लगता है, तो इसी तरह से काम होगा, तुम्हें जो करना है करो। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को फेल करने वाले इस तरह के भ्रष्ट प्रधान और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर योगी सरकार की क्या कार्यवाही होती है। सरकार द्वारा ग्रामीणों के विकास के लिए इतना धन दिया जाता है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारियों के कारण ग्राम पंचायत का विकास धांधली की चपेट में आ गया है। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार क्या कार्यवाही करती है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। ठेका राम उठा लिया। ओ, ये कौन सा पूर्व लगता है? बांधी ग्राम पंचायत का मजरा है। तो यहाँ से ये किसका दरवाजा से जा रही है? किसका नाम किसका है? राम अवतार। राम अवतार के मतलब दरवाजे से ये जा रही है ननकूक दरवाजे, मतलब ये शुरुआत किसके दरवाजे से? ननकूक दरवाजे से। ननकूक के दरवाजे से ये वहाँ तक जाएगी? नहर तक? हाँ, जहाँ तक जाए मुझे पता नहीं। आपको पता नहीं है? यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, नहर तक जा रही है, वहाँ तक जा रही है।